So in this particular one, we are going to discuss the test your knowledge of and उसमें भी क्या है and that of question number 6. So initially I was eagerly waiting for this question to come. All right, finally it has arrived in our way. All right, so we are discussing that is audio. That is the question number 6. Here we are. Beginning the same. An entity has a nuclear power plant. Ek entity hai, and that the same has a nuclear power plant and the related decommissioning liability. So the liability is associated with the plant. The nuclear power plant started operating on 1st April 2001. Nuclear power plant jo hai, that the same start hui hai. On एक एंटिटी है, वी हैव द न्यूक्लियर. दिस इज वॉट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज ऑफ अवर आईसीआई मॉड्यूल. दिस इज द टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल फॉर सीए फाइनल एफआई. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव गिवन, न्यूक्लियर. We have the nuclear plant plus associated the decommissioning liability. Correct. उसके बाद क्या दिया है? The plant has a useful life of 40 years. Life of the plant is 40 years. Here the concept relating to the unwinding of the decommissioning liability and everything will come. And the initial, the plant has a useful life of 40 years. इट्स इनिशियल कॉस्ट वॉज रुपीज 1,20,000. तो प्लांट की कॉस्ट क्या है? प्लांट की कॉस्ट हमें दी है, दैट इज रुपीज 1,20,000. उसके बाद क्या दिया है हमें? दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट फॉर डी कमिश्निंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 10,000 विच रिप्रेजेंटेड रुपीज 70,400 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लोज पेबल इन 40 ईयर्स डिस्काउंटेड एट अ रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ 5%. तो हमें यहाँ बिगनिंग में ही बता रखा है अबाउट द थिंग विच इज रिलेटिंग टू द डी कमिश्निंग कॉस्ट. जो हमारी एंड में डी कमिश्निंग कॉस्ट और वो सारी जो चीज़ें हैं, तो ये 10,000 से स्टार्ट हो गया और ये अनवाइंड होते होते क्या होगा कि जो हमारी आज कॉस्ट है वही कल तो रहने वाली नहीं है. तो उस पर जब हम उसको अनवाइंड करेंगे, इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी 10,000 की कॉस्ट है वो आफ्टर 40 ईयर्स, जब यही कॉस्ट 40 ईयर्स तक जाएगी ना, एज अ हम इसको आज की डेट में, क्योंकि दिस इज अवर ईयर एंड कॉस्ट, 40 ईयर्स पे हमें कुछ डिकमीशन करना पड़ता है, डिसमेंटल करना पड़ता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो दिस इज वॉट, दिस इज द वैल्यू एट द बिगनिंग 10,000. बट 10,000 वाला जो हमारी आज कॉस्ट है, ये उतनी ईयर 40 पे उतनी ही नहीं लगेगी. ये ईयर 40 पर जाते जाते कितना हो जाएगा? इट विल बिकम, दैट इज रुपीज ये कितना हो जाएगा? दैट इज रुपीज 70,400. तो जो हमारी आज कॉस्ट है, जब हम उसे अनवाइंड करेंगे ना, अनवाइंड इन द सेंस बिकॉज ये आज की कॉस्ट है, इस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा. तो जब ये आगे जाएगा तो द सेम विल बिकम 70,400 हो जाएगा. एक जैसे कि कोई भी डी कमिश्निंग लाइबिलिटी होती है ना, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एज पर इंडियस 37 के अकॉर्डिंग. कोई भी, सपोज इफ देर इज एनी ऑफ द डी कमिश्निंग लाइबिलिटी होती है, दैट द सेम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एज पर इंडेस 37 के अकॉर्डिंग, और उसे हम कैपिटलाइज करते हैं एज पर इंडेस 16 के अकॉर्डिंग, और सारी की सारी जो उसे हम कैपिटलाइज करते हैं, दैट इज विद इंडेस 16 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग. तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोविजन फॉर डी कमिश्निंग लाइबिलिटी है, उसे हम इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ अनवाइंड करते हैं. अनवाइंड एक टर्म है जो कि आईसीआई ने यूज किया है इन आवर मॉड्यूल. अनवाइंड इज वॉट,
अनवाइंड ये जो हमारी आज की कॉस्ट है उसे हम आगे आगे ले जाते हैं विद द फाइनेंस कॉस्ट, और उसको अनवाइंड करते हैं टू डेट पीरियड। तो फिर हम मतलब जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी का हम अकाउंट होता है उसे अनवाइंड करेंगे विद द इंटरेस्ट कॉस्ट। उसमें क्या होता है, सारा का सारा इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। इसके लिए हम और आगे क्वेश्चन फर्दर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि जो 10,000 है वो 40 इयर्स तक जाके 70,400 हो जाएगा। ये सारा अनवाइंड से होगा, अनवाइंडिंग के थ्रू, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी बिकॉज जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारा आता है लाइक द नेक्स्ट कम इज 70,400 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो विच इज पेबल इन 40 इयर्स। डिस्काउंट किया हमने एट अ रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ 5% पे। द एंटिटी इज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च। जो एंटिटी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है दैट द सेम इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। अज्यूम दैट द मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, फिर फेयर वैल्यू बता रखी हमें 1,15,000 की विच इज ऑन 31 मार्च 2004 को। द वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600। और ये जो वैल्यूएशन बता रखी है हमें दैट द सेम इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट को डिडक्ट करके बता रखी है हमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें 31 मार्च 2004 तक जाने के लिए भी पहले तो हमें 2001 से स्टार्ट करना होगा। वन से स्टार्ट करना होगा इन द सेंस वन से लेके थ्री तक जाते हैं, वन से लेके 31 मार्च 2004 तक जाते हैं। देन उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल। तो अगर हम आज की डेट पे देखें तो हमारा जो प्रोविजन है फॉर द डीकमिशनिंग लायबिलिटी ऑन टुडेज डेट वो कितना है, 10,000। अब इसे हमें थर्ड ईयर तक ले जाना होगा। थर्ड हमारा सारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट द सेम इज स्टार्टिंग विथ 2001 से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और हमें अब कहाँ तक जाना होगा। तो ये एज ऑन बैलेंस, ये प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग लाइबिलिटी का हमारे पास बैलेंस है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओपनिंग बैलेंस है एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज द प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। नाउ द केस अराइजेस हियर बाय इज ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब जब हमें 31 मार्च 2004 तक जाना है तो या तो हम इसकी वो टेबल बनाए उससे भी डेटा आ जाएगा, या फिर हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाए उससे भी आ जाएगा। मतलब हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए थर्ड ईयर वाली, और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दी है जो कि ओपनिंग का बैलेंस है दैट इज 10,000, और मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते हैं 1 + r की पावर n। तो 1 + r की पावर, अब मैं इसके ऊपर n कैसे लिखूँ पता नहीं। वन प्लस आर की पावर एन, यहाँ से एन लिखाएगा नहीं, ओके ये लिखा गया। तो अकॉर्डिंगली हमारी ऐसे भी वैल्यू आ सकती है। तो फ्यूचर वैल्यू तो पता नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, बिकॉज मुझे 3 इयर्स का डेटा चाहिए, 10,000 1 + 5 / 100 एंड दिस विल बी आफ्टर 3 इयर्स।
यहाँ पे अकॉर्डिंगली 3 नहीं आ रहा है। ओके आ गया। ऑलराइट, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10,000 5/100 प्लस 1.05 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई 1 2 2 टाइम्स ही करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दिस मल्टीप्लाई बाय 10,000 इट विल बी अराउंड 11,576 आ रहा है। पर इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में उसको पूरे राउंड ऑफ कर रखा है, तो हम भी 11,600 ही लिख लेते हैं यहाँ पे करेंटली। तो इसको हम वी कैन डू, वी कैन सॉल्व इट फ्रॉम अनादर मेथड एज वेल, जो कि हमने वो किया था। तो प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग लाइबिलिटी के लिए क्या होता है कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ हम इंटरेस्ट लिख सकते हैं, और फिर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस एज वेल, और इधर हमें एक कॉलम चाहिएगा ईयर्स के लिए एज वेल। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10,000 इस पे इंटरेस्ट लगाया 5% के हिसाब से, 5% ही था। फाइव हंड्रेड एंड दिस विल कम एज, इसको हम एक्सेल में कर देते हैं, काम करते फाइव परसेंटेज अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 10,500, देन कम्स 10,500। तो ये क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो है
हमें प्रोविजन बनाना होगा, हर ईयर में इंटरेस्ट लगता रहेगा तो अनवाइंडिंग वाले टाइम पे, और जो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो 10,500 का अकॉर्डिंगली 5% कितना होगा, दैट विल बी कम एज 5 to 5, और उसके बाद ये हो जाएगा 10,500 प्लस 5 to 5, इट विल बी 1,1,0,2,5। थर्ड ईयर तक आते आते कितना हो जाएगा, 1,1,0,2,5 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5,5,2 कर देते हैं हम उसको, और ये आ जाएगा हमारा 1,1,0,2,5 प्लस 5,5,2,55, 5,7,7। तो इसको हम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 11,600 कर देते हैं विद दैट अमाउंट। अब क्या होगा, अब हमें क्या बोला है, तो ये तो हमने निकाल दिया द प्रोविजन एट द थर्ड ईयर। प्रोविजन एट द थ्री ईयर भी हमने दो तरीके से निकाला, ऐसे भी आ सकता है विद दैट, ऐसे डायरेक्टली भी आ सकता है 11,600, और ऐसे भी आ सकता है, तो एग्जाम में हम देख लेंगे कैसे करना है। देन आता है उसके बाद हमारे, अज्यूम डेट द मार्केट फेयर वैल्यू दे रखी है 1,15,000 इज ऑप्टेन एट 31 मार्च दिस, एंड द वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस, और वैल्यूएशन जो है द सेम इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस। तो हमें कंपेयर करना होगा द फेयर वैल्यू को एंड द कैरिंग अमाउंट को, बट बिफोर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट एज वेल। तो हमें कैरिंग अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, इसमें क्या आएगा, हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं, बिकॉज जो हमारी इनिशियल कॉस्ट बनती है ना, इनिशियल कॉस्ट कौन सी वाली बनती है, इनिशियल कॉस्ट हमारी बनेगी जो प्लांट की कॉस्ट है वो है 1,20,000, एंड दिस वन इज द इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ दी ऑफ जो हमारी लाइबिलिटी है फॉर द डी कमिशनिंग। दिस इज वॉट, दिस इज द इंक्लूसिव अमाउंट फॉर दी प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग लाइबिलिटी की इंक्लूसिव अमाउंट ही है ये। इसमें स्टार्टिंग में दिया भी था कि जो 1,20,000 है दिस इज इंक्लूडेड फॉर द डी कमिशनिंग कॉस्ट ऑफ 10,000, इसमें इंक्लूसिव है, तो अगर नहीं होता तो हम ऐड कर देते, बट इसमें करेंटली इंक्लूसिव है तो हमें भी वही कॉस्ट लेनी होती है फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द पीपी। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंगली इट विल बी 1,20,000 डिवाइड बाय 3, आई मीन सॉरी डिवाइड बाय कितना हमारे वो ईयर्स है, वन लैख 20,000 डिवाइड बाय 40, बिकॉज वी हैव द 40 ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, बिकॉज 2001 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, तो करेंटली वी हैव मतलब 3 ईयर्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा, दैट विल कम एज 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ आ गया। अब हम पीपी एज ऑन 31 मार्च 2004 के लिए हम कैसे निकालेंगे, इनिशियली हमारा था पीपी की कॉस्ट 1,20,000, उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा वन लैख 20,000, दिस इज एज ऑन बिगनिंग में था, इसमें से हम लेस कर देते हैं लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, डेप्रिसिएशन सेम ही है इस वजह से 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स, यानी कि अकॉर्डिंगली इट इज 9,000। तो ये कितना आएगा हमारा नेट, नेट कैरिंग अमाउंट कितना आएगा हमारा, आवर नेट कैरिंग अमाउंट विल बी वॉट, दैट इज नथिंग बट 1,20,000 में से 9,000 लेस करेंगे तो 1,11,000, इतना ही आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, इसको अरेंज करके कैसे लिखे,
अकॉर्डिंगली इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमें फेयर वैल्यू दी है, दैट द सेम इज अज्यूम दैट द मार्केट बेस डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज 1,15,000 इज ऑब्टेन एट 31 मार्च दिस, एंड दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर द डी कमीशनिंग कॉस्ट। ये क्या है, दैट द सेम इज आफ्टर ये हमें आफ्टर डी कमीशनिंग कॉस्ट को हटा के दिया है, बट अकॉर्डिंगली जब हम फेयर वैल्यू लेंगे तो हमें इसको कंसिडर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिस टू अमाउंट आर नॉट कंपेरेबल। यू कांट कंपेयर द कैरिंग अमाउंट विद जस्ट दिस वैल्यू, यू नीड टू कंसिडर दिस अमाउंट एज वेल फॉर कंपेयरिंग दिस अमाउंट टू द कैरिंग अमाउंट, बिकॉज कैरिंग अमाउंट में जो हमारा कैरिंग अमाउंट है, हमारा कैरिंग अमाउंट कितना है, दिस इज 1,11,000, दिस इज आवर कैरिंग अमाउंट। यू कांट कंपेयर द कैरिंग अमाउंट डायरेक्टली विद द फेयर वैल्यू विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ दिस डीकमीशनिंग, वी कैन से। तो फेयर वैल्यू जो है हमारी एक्चुअल फेयर वैल्यू होगी जिसके साथ हमें कंपेयर करना होगा, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है अबाउट दिस थिंग्स कि यहाँ पे हमने जो है 1,15,000 उसमें इसको ऐड किया है, उसका पीपी का अकाउंट होगा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का भी अकाउंट होगा, वाई वी आर कंपेयरिंग दिस टू अमाउंट, फॉर मोर डिटेल वी कैन रेफर भाविक चौकसी सर वीडियो, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था द सेम थिंग, बट हियर बाय वी आर टेकिंग दिस वैल्यू, अज्यूम दैट द मार्केट बेस्ड डिस्काउंट कैश फ्लो वैल्यूएशन इज 1,15,000। ये अमाउंट कितना है, 1,15,000। फिर इसमें हमने क्या किया था, दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस, हमने डिडक्ट करके फॉर डी कमिश्निंग कॉस्ट, बट हमें इसको भी लेना होगा बिकॉज उसका रीजन था, सपोज अगर जो न्यू वैल्यू आ रही है तो लाइबिलिटी जो है वो तो साथ ही रहेगी, लाइबिलिटी को यू कांट दिस इज वी कैन से दिस इज एसोसिएटेड विद द कॉस्ट, यू कांट डिनाई फॉर द लाइबिलिटी, सो अकॉर्डिंगली 11,600 वी आर कंप्यूटिंग द अमाउंट विद दैट, एंड दिस विल कम एज 1,15,000 प्लस 11,600 एज 126,600, ये अमाउंट आया हमारा, ये फेयर वैल्यू है, और जबकि हमारा कैरिंग अमाउंट है वो कितना है, 1,11,100, ये है। और एक जो बिल्कुल शॉर्ट में इफ आई सम अप द थिंग्स, तो ये जो 1,20,000 है, यस सर ने कुछ ऐसे समझाया था, आई रेफर भाविक चौकसे सर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, मुझे उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लगी बिकॉज आई वॉज लिटरली वेरी कन्फ्यूज इन द डी कमीशनिंग कंसेप्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था वॉट एग्जैक्टली हैपन विद ऑल सच थिंग। तो अगर अपन देखे विद द वेरी बेसिक पॉइंट, तो ये जो 1,20,000 है ना, इसमें जो 10,000 जो हमारा इनिशियली जो डीकमिशनिंग कॉस्ट था वो ऑलरेडी इंक्लूसिव है, वी ऑल पीपल नो दिस थिंग कि जो 10,000 है डीकमिशनिंग कॉस्ट, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन की लाइन में क्या पढ़ा था कि दैट द सेम इज इंक्लूसिव अंडर दिस कॉस्ट, और हमें इंक्लूड भी करना पड़ता है बिकॉज वो हमारी लाइबिलिटी होगी एट द लास्ट ईयर पे, मतलब एट द ईयर एंड पे जाके, तो ये सारा जो है हमारा कॉस्ट पूरा इसको मिला के बनेगा, ये सारा कॉस्ट बनेगा। अगर हम 1,11,000 को ले लें और हम फेयर वैल्यू जस्ट 1,15,000 ही ले, 11,600 को कंसिडर ना करें, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, जो 11,600 है वो क्या है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अलायंस फॉर ये डी कमीशनिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। तो अगर हम 1,20,000 में 10,000 इंक्लूड कर रहे हैं, बट द सेम वी आर नॉट एडिंग द 11,600 टू दैट वन, तो दिस टू अमाउंट इज नॉट कंपेरेबल एट ऑल। तो मुझे जितना याद है टू दैट एक्सटेंट,
सर ने ऐसे ही कहा था कि दिस फॉर टू मेक दैट टू अमाउंट कंपेरेबल एज वेल, तो वी नीड टू डू जस्टिस एज वेल, सो अकॉर्डिंगली तो अब नाउ दिस टू वैल्यूज आर टोटली कंपेरेबल इन नेचर, बिकॉज उसमें भी इसका इफेक्ट है, डीकमिशनिंग में उसका इफेक्ट उसमें भी है और कैरिंग अमाउंट में भी, तो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं. नाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वेदर वी आर गेटिंग द रिवैल्यूएशन गेन और द रिवैल्यूएशन लॉस. तो फ्रॉम द डेटा और फ्रॉम द फिगर्स शोन हियर बाय वी आर डिसाइडिंग, वी आर एबल टू डिसाइड दैट 126,600 इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट. अकॉर्डिंगली हमें यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है. तो रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है हमें अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज ऑफ रुपीज 126,600 माइनस 111,000, तो ये कितना हो रहा है अकॉर्डिंगली 15,600 का हमें रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है. 15,600 का हमें रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं फॉर द थिंग्स. Now what does the next thing? This valuation is after ये हमारा हो गया है, which represent no change to the original estimate after the unwinding of 3 years. क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है is एडवांसेस ऑन 31 मार्च 2005 को, मतलब 31 मार्च 2004 तक तो हमने सारा डेटा कंप्यूट कर लिया है. 31 मार्च 2005 को द एंटिटी एस्टिमेट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमिशनिंग लाइबिलिटी हैज डिक्रीज बाय 5,000. तो ड्यू टू सम अदर रीजन, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जो प्रेजेंट वैल्यू थी डी कमिशनिंग लाइबिलिटी की वो हमारी कम हो गई है, कम हो गई. एंड द एंटिटी डिसाइड दैट द फुल वैल्यूएशन ऑफ असेट इज नीडेड एट 31 मार्च 2005 इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटेरियली द फेयर वैल्यू एंड द असेट इज नाउ वैल्यूड एट दिस. तो अब हमें वापस सबसे पहले तो जाना होगा 2005 पे, 31 मार्च 2005 पे. करेंटली वी आर ऑन 31 मार्च 2004 पे ही है. तो अगर अब हमारी जो न्यू वैल्यू है जिस पे हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होगा, नाउ अब हमारा जो अमाउंट है, अब हमारी कॉस्ट क्या आएगी. पहले तो हमारी कॉस्ट जो है रिवैल्यूएशन का गेन हुआ 15,600 का, इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे. ये तो हमें रिवैल्यूएशन गेन हो गया. अब हमारी करेंटली कॉस्ट क्या बन जाएगी, 126,600. अब हमें इस पे 31 मार्च 2001 से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर और फोर से फाइव, 31 मतलब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 31 मार्च 2005 का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज करेंगे हम. वो कितना आएगा हमारा डेप्रिसिएशन, 126. अभी तक हमारी हमारी एसेट की लाइफ कितनी थी, दैट इज ऑफ 40 ईयर्स, जिसमें से 3 साल चले गए थे, 2001 से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, तो थ्री 3 ईयर्स कंप्लीट चले गए थे. और अब वी आर रिमेनिंग विथ 40 माइनस 40 माइनस 3, यानी कि 37 ईयर्स अब हमारे पास है. अकॉर्डिंगली हमारे पास 126,600 डिवाइड बाय 37 ईयर्स है, तो कितना आएगा हमारा डेप्रिसिएशन, विल बी 3,422. 3,422 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो 3,422 हमारा डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर. अगर हम इसका नेट ऑफ करें तो कितना होगा, 126,600 माइनस 3,422, इट विल बी 1,23,322.
178, ये हमारा आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2005 पर, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा। हो गया, इतना अमाउंट आ गया हमारा 31 मार्च 2005 में, इतना अमाउंट आ गया। अगर हम फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट में भी तो करंट ईयर में आएगा, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 31 मार्च 2005 में, तो ये यहाँ तक हमारा 11,600 था। इसमें वापस 5% लगेगा फॉर ड्यूरिंग द ईयर, ये आ जाएगा 580, एंड अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 11,600 प्लस 580, तो 12,180। इंस्टीट्यूट ने इससे भी शायद राउंड ऑफ किया होगा, 180 है ना, तो 12,200, 180 को राउंड ऑफ करके 200 किया होगा राउंड ऑफ। आई डोंट नो, एग्जाम में तो करना ही है या नहीं करना है। तो ये तो सारी हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन, और क्या पूछ रहा था आगे। यस, द एसेट इज नाउ वैल्यूड एट 1,07,000 विच इज नेट ऑफ अलाउंस फॉर द रिड्यूस डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन। इसको भी दोबारा से नेट ऑफ कर दिया, इसको भी दोबारा से नेट ऑफ कर दिया, इन द सेंस यानी कि हमें जो 1,07,000 है सबसे पहले तो एक जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि 31 मार्च 2005 को जब एंटिटी ने 31 मार्च 2005 को एंटिटी ने एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो डीकमिशनिंग लाइबिलिटी थी उसे डिक्रीज कर दिया। जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो अकॉर्डिंगली हमें एक तरीके से फ़ायदा हुआ, तो हमारा जो असेट का कॉस्ट होगा वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो हमारे असेट का कॉस्ट तो जो हमारा ये वाला वैल्यू था, तो डिक्रीज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी विद द अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज़ से हमारा वैल्यू जो है कम हुआ, तो अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। अकॉर्डिंगली हमारी कॉस्ट भी कम हो गई, 123,178 माइनस 5,000, तो ये हो गया हमारा 1,18,178। तो इतना हमारा कॉस्ट भी कम हो गया। अब हमें वापस निकालना है, अब हमारी जो फेयर वैल्यू है 31 मार्च 2005 को, डेट इज ऑफ द असेट इज नाउ वैल्यूड एट 1,07,000 विच इज नेट ऑफ अलाउंस फॉर द रिड्यूस डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन। इसमें भी रिड्यूस के लिए बोला है, बट पहले हम फेयर वैल्यू क्या होगी, एज ऑन 31 मार्च 2005 वाले डेज पर, तो 31 तो हमारा ये तो है ही है, मतलब क्वेश्चन में तो दिया ही है 1,07,000, 1,07,000 तो हमें दिया है। एंड द अनदर थिंग इज विच इज नेट ऑफ अलाउंस फॉर द रिड्यूस डी कमीशनिंग ऑब्लिगेशन, तो हमें यहाँ पे वो डी कमीशनिंग वाला अमाउंट भी निकालना होगा। एग्जामिन हाउ विल द एंटिटी अकाउंट फॉर द अबाउट चेंजेस इन डी कमीशनिंग लाइबिलिटी इफ इट अडॉप्ट्स द रीवैल्यूएशन मॉडल। तो फर्स्टली हम जो सारी चीज़ें कर रहे हैं इसी से एक ऊपर क्वेश्चन है, दैट इज बिलोंग टू द कॉस्ट मॉडल, और दिस क्वेश्चन बिलोंग टू द रीवैल्यूएशन मॉडल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट इन द सेंस रीवैल्यूएशन और जो डी कमीशनिंग के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ना, दैट द सेम इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बींग अ स्टूडेंट टू द एक्सटेंट वट एवर आई कैन एक्सप्लेन आई एम डूइंग द सेम, बट वॉट आई फाउंड इज यू कॉन्ट कंपेयर अ स्टूडेंट विद द टीचर, द वे द टीचर एक्सप्लेन द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल एट दिस मोमेंट, एंड आई लिटरली अप्रिशिएट फॉर दिस क्वेश्चन आई रेफर्ड फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई सी ए फाइनल्स फॉर द भाविक चौकसी सर वीडियो आई रेफर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
एज वेल। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इलोबरेट करके बहुत डिटेल में इसको समझाया था। एंड द नेक्स्ट थिंग विच ही एक्सप्लेन रिलेटिंग टू दैट ये असेट जो है दैट द सेम इज वैल्यू तो है विच इज नेट ऑफ अलायंस फॉर द रिड्यूस डी कमिशनिंग ऑब्लिकेशन। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो डी कमिशनिंग ऑब्लिकेशन का इफेक्ट दे के किया है, इफेक्ट दे के किया है, तो हमें दोबारा से पहले तो देखना होगा कि हमारा जो प्रोविजन फॉर डी कमिशनिंग लाइबिलिटी था इनिशियली हाउ मच प्रोविजन वी हैव इन आवर हैंड एट द बिगनिंग दैट इज वॉज रुपीज 10,000। तो ईयर थ्री तक आते आते जब हम उसको अनवाइंडिंग कर रहे थे, अनवाइंडिंग करते हैं मतलब 40 ईयर्स तक, तो वो वही ज़्यादा मतलब वही जाकर 70,400 होने वाला है। बट हम जब 3 ईयर पे आए तो उसमें अनवाइंड हो रहा था, अनवाइंड हो रहा था इन द सेंस मतलब उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो रही थी। इन आईसीआई टर्म्स उसे अनवाइंडिंग बोलते हैं। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड ऑन होती जा रही थी और दैट द सेम कम एज हमारा आ रहा था कि मतलब आउट ऑफ कितना हुआ 3 ईयर्स में 10,000 के बाद दैट इज 1,600 हो रहा था, तब जाके वो 11,600 हो गया। फिर उसके बाद हम 4th ईयर पे मतलब 3 ईयर का कम्प्लीटली लगा लिया था, फिर नेक्स्ट ईयर का भी हमने अनवाइंडिंग किया था। अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे फॉर दैट वन इज, तो फॉर प्रोसीडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर वन फिर से हम चलते हैं। पहले तो हमारा जो प्रोविजन हमने बनाया था वो कहा था जहाँ हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था। तो यस यहाँ हम लिखा था 1 अप्रैल को हमारे पास इतना था। उसके बाद जो हमारा 3 ईयर्स 2001 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सारा मिला के जो प्रोविजन बना था वो कितना था, सारा मिला के जो प्रोविजन बना था तो एज ऑन 31 मार्च, तो हमारा बैलेंस यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2004 को कितना आया था इसका, फिर इसका आया था हमारा दैट इज 11,600 उस सारा राउंडिंग ऑफ करके। उसके बाद क्या किया था हमने, फिर 2000 हर ईयर प्रोविजन बन रहा है तो अकॉर्डिंगली ये तो सारा 31 मार्च टिल डेट तक का 11,600 था। उसके बाद क्या हुआ था एग्जैक्टली 31 मार्च मतलब 4 से लेके 5 तक 1 ईयर का प्रोविजन और बना। 1 ईयर का प्रोविजन हमने कैसे बनाया होगा, 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 5% डिस्काउंटिंग रेट है तो अमाउंट तो 580 आता है, बट आईसीआई ने राउंड ऑफ कर रखी है सारी चीज़ें को, तो फिर उन्होंने शायद मॉड्यूल में राउंड ऑफ करके कर रखा है। तो हम भी यहाँ पे जो प्रोविजन होगा, जो प्रोविजन है फॉर 31 मार्च 2005 को दैट इज व्हाट, दैट इज अमाउंटिंग वो हमारा आ रहा है 600। यहाँ लिख लेते हैं,
ये हमारा हो गया टिल डेट। फिर प्रोविजन फॉर ईयर 2005, प्रोविजन फॉर 2005 में कितना बनाया हमें, ये आ रहा है हमारा 600, इतना आया। उसके बाद क्या हुआ, तो ये कितना हुआ, 10,600 प्लस 600, ये अभी तक हो गया हमारा, दिस कम है 11,600, सॉरी, एंड दिस विल कम एज 12,200 आया। अब क्या हुआ, करंटली व्हाट हैपन इज नाउ अकॉर्डिंगली हमें क्या बोल रहे हैं कि प्रोविजन जो है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, देर इज अ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर द डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। तो डिक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली हम भी डिक्रीज करेंगे इन आवर प्रोविजन। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोविजन में डिक्रीज होने की वजह से हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज हुई, तो अकॉर्डिंगली हमने एसेट का अमाउंट कम कर दिया। और उसके अलावा प्रोविजन भी डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज कर देंगे इन द प्रोविजन। तो डिक्रीज इन प्रोविजन एंड डेट कम एज, वो कितना आ रहा है, प्रोविजन डिक्रीज हो जाएगा तो 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, अमाउंटिंग डेट विल कम एज 7,200, ये कितना आएगा हमारा 7,200 आ जाएगा। तो ये हमारा नेट अभी करेंटली ये बनता है प्रोविजन, दिस इज अवर बैलेंस, दिस वी कैन एज अ बैलेंस रिवाइज बैलेंस हम बोल सकते हैं। तो हम कहाँ कर रहे थे कैलकुलेशन, वहाँ चलते हैं, 1,07,000, और यहाँ पे हमें उसका उन्होंने नेट ऑफ कर दिया था, तो नेट ऑफ कर दिया था तो हमें यहाँ पे वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा। ओहो, 7,200, तो हमारा कितना आएगा, 1,14,200 हमारा ये आ जाएगा अमाउंटिंग, दिस विल बी अवर नेट अमाउंट। और जबकि हम ये हमारा फेयर वैल्यू का अमाउंट है, और हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो है 1,18,170 है। तो अकॉर्डिंगली हमें जो है वो एक तरीके से रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन के सारी ऑलमोस्ट कैलकुलेशन कर ली है, बस हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे तो फिलहाल रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है 1,00,000। सो अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व हो चुका है, बट हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है, और जर्नल एंट्री जरूर हमें पास करनी है फॉर द रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कहाँ है,
15,600 रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे भी आ रहा था स्टार्टिंग में, और अब हमें इन सबको पढ़ना है एक ये वाली लाइब्रेरी, बिकॉज व्हेन देर इज अ डिक्रीज इन द डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक और डिफरेंस होता है इन द थिंग्स इज, जैसे कि जब हम जो कॉस्ट मॉडल होते हैं जब उसमें लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी लाइबिलिटी शायद से पीपी से लेस होती है अगर हम उसके ऊपर वाले सिचुएशन को देखें। यस ऑल राइट, तो जब कॉस्ट मॉडल होता है तो क्या होता है कि प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, कॉस्ट किसकी कम हुई है, पीपी की ना, तो टू असेट कर देते हैं। जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल में थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट है, वो ये सारा हम रीड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद वी विल नाउ कम्स द केस। ये हमने निकाला था, ये हमारा भी आया, देन ये भी आया, और उसके बाद इतना हमारा भी आ रहा था, तो ये वाला बैलेंस जो है 15,600 हमने कुछ इस तरीके से निकाला, फिर से लाइट चली गई। जब हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना 15,600, तो हमारा जो रिवैल्यूएशन गेन है वो इस तरीके से आ रहा था, दिस दिस एंड दिस, तो कैसे भी निकालो अमाउंट हमारा सेम आ रहा है और रिवैल्यूएशन गेन भी आ रहा है, तो उसमें तो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा इनिशियली, मतलब पहले स्टार्टिंग में हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, उसके बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूड असेट टू विच डीकमिशनिंग लायबिलिटी अटैच्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन ऑब्टेन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन द अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूड असेट, जब कभी भी, ओ माय गॉड पीसी की बैटरी जाने वाली है, लाइट भी चली गई। इफ आई मे नॉट सेव दिस वीडियो, अभी सेव नहीं किया तो शायद ये भी नहीं बचेगी वीडियो, इसलिए इसको तो स्टॉप करना ही पड़ेगा।